सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में आपको कुछ इस तरह के मिस यू कॉन्सेप्ट पर फोटो एडिटिंग करने को बताने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना, बिना वीडियो को स्किप किए, नहीं तो फिर बाद में बोलना मत कि कुछ समझ में नहीं आया। ओके, एंड हाँ, बैकग्राउंड पीएनजी का सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर डाउनलोड कर लेना, लेकिन पहले ये वाली वीडियो एंड तक देख लो। और हाँ, अगर आप भी इस तरह की कॉन्सेप्ट रेडी करते हो एडिट करके, तो मुझे इंस्टा पर टैग जरूर करना, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यूजर नेम यहाँ पर शो हो रहा होगा। बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं पिक्सआर्ट में बैकग्राउंड को ऐड कर लिया हूँ, अब अपने कटआउट को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कटआउट भी ऐड कर लिया है, और कटआउट देखो लग रहा है ना कि किसी को मिस कर रहे हैं। और आप लोग भी ट्राई करना कि हल्का से टाइप का पोज हो, तभी ऐसा कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा। एंड अब रही फोटो थोड़ा कटा हुआ है, उसके बाद तो मैं जहाँ फोटो क्लिक कराया था वहाँ मेरा हाथ थोड़ा छिपा हुआ था, चाहे थंबनेल पे देख लो, तो इसे मैं कवर कर दूंगा, उसकी कोई बात नहीं। एंड अब ये कटा हुआ पार्ट छिपाने के लिए घास वाला पीएनजी ऐड कर लेता हूँ। तो पीएनजी ऐड करके यहाँ नीचे एकदम सेट करेंगे, ये परफेक्ट। एंड मुझे कटआउट थोड़ा छोटा लग रहा है, तो जूम करके बड़ा कर लेता हूँ, ये परफेक्ट, अब लगने लगा मस्त। और अब पता भी नहीं चल रहा है कि फोटो थोड़ा नीचे से कटा हुआ था। एंड अब थोड़ा गुलाब का पंखुड़ी उड़ा लेते हैं फोटो में, उसका भी पीएनजी है अपने पास। तो पीएनजी ऐड हो गया है, अब जूम कर लेते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो इरेज करने के बाद फोटो परफेक्ट हो गया है। अब हम किसी को मिस कर रहे हैं तो लिख कर जताना तो पड़ेगा, तो यहाँ टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं और लिख लेते हैं आई मिस यू, परफेक्ट। एंड फिर हल्का शेड वाला इमोजी भी ऐड कर लेते हैं, परफेक्ट। एंड इसको ऊपर सेट कर लेते हैं। एंड मुझे ये फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, तो इसे चेंज करके स्पेशल इलाइट, हाँ ये अच्छा लग रहा है। और अब टेक्स्ट में कलर डालेंगे, तो यहाँ कलर पे क्लिक करके ग्रेडियंट करेंगे, क्योंकि हमें वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन चाहिए टेक्स्ट में। इस ब्लैक कलर पे क्लिक करके रेड सेलेक्ट कर लेंगे, परफेक्ट, अब अच्छा लगने लगा। फिर टेक्स्ट में थोड़ा एक एक लेटर साइड साइड ब्लैक करेंगे, तो उसके लिए चलते हैं स्ट्रोक वाले ऑप्शन में, और फिर स्ट्रोक इंक्रीज करेंगे 50, परफेक्ट। एंड मुझे ना ये वाला फ़ॉन्ट कुछ खास नहीं लग रहा है यार, तो इसे चेंज करके देखता हूँ, तो आई थिंक ये सिग्मा 1 वाला परफेक्ट लग रहा है। तो अब थोड़ा सा फ़ॉन्ट को छोटा कर लेते हैं, परफेक्ट, और अब कर देते हैं डन। तो अब हमारा पिक्सआर्ट का काम हो चुका है, फ़ोटो सेव कर लेते हैं और चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि असली लुक तो फ़ोटो में वहीं से आएगा, तो चलते हैं। तो यहाँ मैं लाइटरूम ऐप में भी फ़ोटो ऐड कर लिया हूँ, और आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, लाइक मैंने हेयर बनाया है एंड फोटो की क्वालिटी इंक्रीज की है। अगर आपको नहीं पता तो ऊपर आई बटन पे वीडियो का लिंक आ रही होगी, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, पहले इस वीडियो को देख लो फिर उसे देख लेना। ओके, तो लाइटरूम में आने के बाद डायरेक्ट मिक्स में चलते हैं और फेस व्हाइट करते हैं। तो पहले ऑरेंज वाले कलर के सैचुरेशन घटा बढ़ा के देख लेता हूँ, तो -6 परफेक्ट, एंड लुमिनेंस +21 परफेक्ट लग रहा है। फिर रेड में चलते हैं, तो इसके सैचुरेशन इंक्रीज करके देखते हैं, तो +14 परफेक्ट। एंड फोटो हमारा येलो टोन में रहेगा नहीं, तो इसे स्किप कर देते हैं। फिर चलते हैं ग्रीन कलर में, तो इसके सैचुरेशन देखते हैं, तो फुल इंक्रीज करके ये परफेक्ट लग रहा है। अब ह्यू देखते हैं, तो ह्यू भी फुल करने पे परफेक्ट लग रहा है। एंड मेरा शर्ट थोड़ा डल लग रहा है, तो उसके लिए ब्लू कलर में चलते हैं और लुमिनेंस कम ज़्यादा करके देखते हैं, तो -100 पे एकदम मस्त लगने लगा, और अब कर देते हैं डन। और फिर चलते हैं लाइट वाले ऑप्शन में घटा बढ़ा कर देखते हैं, तो हाईलाइट को फुल इंक्रीज करने पे अच्छा लग रहा है। और ये मेरे बाल का कलर ब्लैक करने के लिए थोड़ा ब्लैक्स माइनस करेंगे अराउंड -15, एंड थोड़ा शेडो इंक्रीज करके देखते हैं,
तो -47 सही लग रहा है। और फिर थोड़ा डिटेलिंग देख लेते हैं, तो नीचे स्क्वायर वाले ऑप्शन में आ जाना है, टेक्सचर 6 सही लग रहा है और क्लैरिटी भी 6 सही लग रहा है। फिर डीहेज 4 परफेक्ट एंड थोड़ा विग्नेट भी ऐड करेंगे, आई थिंक -20 पे सही लग रहा है। फिर इस ट्रायंगल वाले ऑप्शन में चलते हैं, तो इसमें शार्पनिंग ऐड करेंगे 6, डिटेल फुल कर लेंगे, मास्किंग 2, नॉइज रिडक्शन 3 एंड अगेन डिटेल है तो फुल कर लेंगे अगेन, एंड कॉन्ट्रास्ट 2, कलर नॉइज रिडक्शन 3 एंड अगेन डिटेल है तो फुल कर लेंगे, एंड फाइनली हमारी फोटो एडिट होके रेडी हो गई है। यहाँ पर आप बिफोर आफ्टर देखो, इतना मस्त लग रहा है फोटो हमारा। तो ये रहा फोटो एडिटिंग से रिलेटेड प्लेलिस्ट, जाओ देखो, इसमें सबका ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप एडिटिंग।